मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार NIOS की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम आपके कोर्स कोड 504 गणित शिक्षण के इस कक्षा में हम आज चर्चा करेंगे गणित की प्रकृति पे, जो कि आपका उप इकाई 2.2 है, गणित की प्रकृति। जैसा कि आप जानते हैं, गणित को मदर ऑफ ऑल साइंसेज कहा जाता है, सभी विज्ञान विषयों की जननी माना जाता है गणित को। गणित को परिभाषित करने का प्रयास कई विद्वानों ने किया, लेकिन गणित इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको कि किसी भी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। आज की तारीख में गणित की इतनी शाखाएं हैं, इतने रूप हैं गणित के, कि उसको किसी स्पेसिफिक परिभाषा में बांधा जाना बड़ा कठिन है। और ऐसे में जब परिभाषा में बांधा जाना कठिन है, तो गणित की प्रकृति को भी स्पष्ट करना एक कठिन काम है। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम गणित की प्रकृति पर थोड़ी चर्चा कर लें आज की कक्षा में। संक्षेप में देखें कि हम आज किन किन चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला, आप देखें कि मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है, उसमें यथार्थता और शुद्धता पाई जाती है। मैथमेटिक्स में यथार्थता और शुद्धता पाई जाती है। दूसरा, कि गणित की प्रकृति तार्किक है। तीसरा, कि गणित की जो प्रकृति है वो सांकेतिक है। चौथा, कि गणित की अपनी भाषा है। पांचवा, गणित जो है वो विभिन्न स्ट्रक्चर्स का अध्ययन है। इसके अलावा गणित विभिन्न पैटर्नों का अध्ययन करता है। गणित एक उपयोगितावादी विषय है। गणित समस्या समाधान है। गणित की प्रकृति वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। गणित एक अब्स्ट्रैक्ट विषय है। मैथमेटिक्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। गणित में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। गणित विभिन्न चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है और गणित विज्ञान की भाषा है। इन बिंदुओं पर हम आज विचार करेंगे गणित की प्रकृति की श्रेणी में। आइए हम एक एक करके सब पर विचार करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गणित में शुद्धता एवं यथार्थता पाई जाती है। गणितीय संकल्पनाओं में अस्पष्टता एवं अशुद्धि की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। गणित की किसी भी संकल्पना को आप ले लीजिए, उसमें परिशुद्धता और अस्पष्टता आपको दिखाई देगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि आयत की संकल्पना मान लें आप। आयत के बारे में हम जानते हैं कि प्रत्येक आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। साथ ही प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल जो है, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब वो चाहे कोई भी आयत आप ले लें, उनके लिए ये नियम समान है कि उनके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, उनके प्रत्येक कोण समकोण होंगे और प्रत्येक आयत का जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है और उनको गुणा करके उनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं से अस्पष्टता या अशुद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लें, मान लीजिए सम संख्या की बात करें, तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। अब आप सारी की सारी सम संख्याएं लें, तो सब में ये प्रॉपर्टी जो है, ये गुण जो है, वो कॉमन है, यूनिवर्सल है कि वो सभी 2 से विभाजित होंगी ही। कोई भी अस्पष्टता इसमें नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन सी संख्या सम संख्या कही जाएगी जो 2 से विभाजित होगी। कोई भी अशुद्धि नहीं है, सारी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि गणित में जो है वो यथार्थता और शुद्धता पाई जाती है, गणित में प्रेसिजन पाया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक है। वस्तुतः गणित एक तर्कपूर्ण विषय है जिसमें विभिन्न कथनों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। अतार्किक निष्कर्षों का गणित में कोई स्थान नहीं है। गणित अपने निष्कर्षों के लिए आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्कों पर निर्भर करता है। जैसे यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तब ए बड़ा है सी से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और जो निष्कर्ष ए बड़ा है सी से प्राप्त किया गया है, वह पहले दिए गए कथनों ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इन दोनों के तार्किक विश्लेषण पर आधारित है। अतः कहीं पर भी आप देख लें, किसी भी स्थान पर देखें, तो गणित हमेशा तर्कों के आधार पर निर्णय लेता है। जैसे कई बार आप जब अलजेब्रा का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो आप लिखते हैं, मान लिया कि संख्या एक्स है, उसके बाद दिए गए कथनों को आप पढ़ते हैं, तर्क करते हैं और उन तर्कों के आधार पर समीकरण तैयार करके उस एक्स का मान निकालते हैं जब भी आप किसी समीकरण को हल करते हैं।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक है, गणित एक तर्कपूर्ण विषय है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है गणित की, तीसरी जो प्रकृति है गणित की, गणित की प्रकृति सांकेतिक है। गणित जो है संकेतों पर आधारित विषय है। अगर गणित के संकेतों को हटा दिया जाए तो गणित का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। उदाहरण के लिए सभी अंक एवं संख्याएं, अंक और संख्याएं क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, जो भी पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ये सारी जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ संकेत हैं जिनसे विशेष अर्थ जुड़ा हुआ है। ये जो सभी अंक गणितीय संक्रियाएँ हैं, जोड़ घटाव गुना या भाग, ये सभी क्या हैं, संकेताक्षर हैं। जब भी आप गणित पढ़ते हैं तो आप बहुतायत की संख्या में संकेताक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि गणित जो है एक सांकेतिक विषय है, गणित जो है एक संकेतों पर आधारित विषय है, गणित की प्रकृति जो है वो सांकेतिक है। एक बड़ा सुंदर विशेषता है गणित की कि गणित की अपनी भाषा है। गणित जो है किसी भी भाषा पर आश्रित नहीं है, गणित की अपनी ही एक अलग भाषा है। उदाहरण के लिए आप देखें कि यह गणित की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपनी इसकी भाषा है, और गणित सीखने के लिए किसी अन्य भाषा विशेष के गहन ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है। उदाहरण के लिए आपके सामने कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि पहला सिंबल है वो देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, दूसरा सिंबल है फॉर ऑल का सिंबल है, तीसरा जो सिंबल है देयर डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल है, चौथा जो सिंबल है इफ एंड ओनली इफ, और ऐसे हजारों की संख्या में गणित में संकेतों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे लिमिट के लिए, जैसे इंटीग्रेशन के लिए, जैसे इम्प्लाइज टू को डिनोट करने के लिए। तो इस प्रकार के बहुतायत से संख्या में आप संकेतों को यूज करते हैं, और वे संकेत जो है वो गणितीय भाषा का काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है गणित की कि गणित की अपनी भाषा है। ये गणित की प्रकृति भी है कि गणित की एक अपनी स्पेशल भाषा है। इसके बाद देखें कि गणित जो है वो क्या है, विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन है। गणित में संरचना का सामान्य अर्थ है एक व्यवस्थित तंत्र, और गणित ऐसे विभिन्न व्यवस्थित तंत्रों अथवा तंत्र समूहों का अध्ययन करता है। जो नंबर सिस्टम है वो गणितीय संरचनाओं के सरलतम उदाहरण हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्णांक संख्याओं का समूह, परिमेय संख्याओं का समूह, उसके बाद सम्मिश्र संख्याओं का समूह, जैसे सबसे बड़ा समूह जो है वो सम्मिश्र संख्याओं का समूह। अब सम्मिश्र संख्याओं के समूह की संरचना के अंदर फिर आते हैं वास्तविक संख्याओं के समूह और काल्पनिक संख्याओं के समूह। फिर वास्तविक संख्याओं के समूह के अंदर आते हैं रेशनल और इरेशनल संख्याओं के समूह। ऐसे कई संरचनाएँ हैं, न केवल नंबर सिस्टम, बल्कि जब भी आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें ग्रुप, रिंग, वेक्टर स्पेस, इनकी संकल्पना पढ़ते हैं। आप इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन की संकल्पना पढ़ते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये अलग अलग व्यवस्थित तंत्र हैं। ज्यामितीय पढ़ते हैं तो विभिन्न ज्यामितीय संकल्पनाएँ जिसमें समाहित हैं और उनका व्यवस्थित तंत्र है, जैसे त्रिभुजों का अपना एक व्यवस्थित तंत्र है, चतुर्भुजों का अपना एक व्यवस्थित तंत्र प्रकार है। तो इस प्रकार गणित जो है वो अलग अलग प्रकार के संरचनाओं का अध्ययन है। ये गणित की एक प्रकृति है कि गणित विभिन्न स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करता है। इसके अलावा गणित जो है विभिन्न पैटर्नों का भी अध्ययन करता है। हम जब भी गणित का अध्ययन करते हैं उसमें आप देखेंगे कि कई प्रकार के पैटर्न हमारे सामने आते हैं, और जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ज्यामितीय पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, क्यूबिक पैटर्न। और केवल ज्यामिति ही नहीं बल्कि गणित के अन्य शाखाओं में भी हम विभिन्न प्रकार के पैटर्नों का अनुभव करते हैं और उन पैटर्नों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला और दूसरा दो उदाहरण हैं वो ज्यामितीय पैटर्न के उदाहरण हैं, और तीसरा जो उदाहरण है वो एक अंकगणितीय पैटर्न का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गणित जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें हम विभिन्न स्ट्रक्चर का अध्ययन करते ही करते हैं, विभिन्न पैटर्नों का भी अध्ययन करते हैं। गणित उपयोगितावादी है। ऑफकोर्स आप इसे सहमत होंगे कि गणित की जो प्रकृति है वो उपयोगितावादी है। दैनिक जीवन में आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक गणित का उपयोग करते हैं। सामान्य लेन देन से लेकर जटिल गणनाएँ तक सभी गणित के ज्ञान पर आधारित है। समय देखना,
इवन रंगोली बनाना, कोई गृहिणी अगर रंगोली बनाती है, कोई सामान आप खरीदते हैं तो आप लेन देन करते हैं, पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, इसमें तय करते हैं कि कितना पैसा आपको इसके लिए देना है, फिर कितना पैसा आपको उससे वापस लेना है, तो आप कहीं ना कहीं जोड़ घटाव का काम कर रहे होते हैं। तो जितने भी आप दैनिक जीवन के कार्य करते हैं उसमें गणित का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपयोग है। कोई भी टास्क आप ले लीजिए, अपने अपने ऑफिस जाते हैं तो घड़ी देखते हैं कितना समय हुआ, ये आपके ऑफिस जाने का समय है, घड़ी देखते हुए भी आप गणितीय जोड़ घटाव कर रहे होते हैं। फिर आप जब ऑफिस से लौटते हैं, आप अपनी कक्षा में जाते हैं, किस समय आपको जाना है, शाम को आते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, दुकान में जाते हैं, वहाँ पे आप गणित का उपयोग कर रहे होते हैं। आज की तारीख में तो गणित का उपयोग और भी बढ़ गया है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो गणित का उपयोग कर रहे होते हैं। इस प्रकार आप देखें तो गणित का उपयोग जो है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में और प्रत्येक क्षण हमें गणित की ज़रूरत होती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित की जो प्रकृति है वो यूटिलिटारियन है, गणित की प्रकृति जो है वो उपयोगितावादी है। गणित जो है अपने आप में एक समस्या समाधान है, गणित की जो प्रकृति है वो समस्या समाधान की है। हम किसी भी समस्या के समाधान में क्या करते हैं, पहले समस्या का तार्किक विश्लेषण करते हैं, फिर तार्किक रूप से उसके समाधान पर विचार करते हैं। वैसे ही गणित भी सर्वप्रथम कोई भी समस्या उसको दी गई तो उसका तार्किक विश्लेषण करता है और उसका तार्किक हल निकालता है। जैसे कि आपको ये समीकरण दिया गया है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो x का मान क्या होगा। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये एक समस्या आपके सामने है, आप इसका समाधान करेंगे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो आप तार्किक रूप से चूंकि बराबर के उस तरफ 5 को ले जाएंगे तो उसका चिन्ह नेगेटिव आपको करना होगा, तो आप तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करके निकालेंगे कि देन x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, देयर फॉर x इज इक्वल टू 2। तो तार्किक विश्लेषण किया आपने समस्या का और उसका तार्किक हल निकाला, अपनी इच्छा से कोई भी हल नहीं निकाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणित जो है एक तार्किक रूप से समस्या का समाधान है और गणित के प्रश्नों को हल करते हुए हमें तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित होती है और हम वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान भी तार्किक रूप से करने में सक्षम हो जाते हैं, उन पर विचार करने में सक्षम हो पाते हैं। गणित की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि एक वैज्ञानिक क्या करता है, एक जैसे आप देखें कि एक भौतिक विज्ञानी, एक जीव विज्ञानी पहले एक परिकल्पना का निर्माण करता है, फिर उसके साक्ष्य एकत्र करता है एवं साक्ष्यों के आधार पर परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करता है। वैसे ही गणित में भी परिकल्पना मान्यताओं एवं साक्ष्यों के तर्कपूर्ण विश्लेषण पर आधारित है गणित का अध्ययन। एक उदाहरण छोटा सा लीजिए कि आपको साबित करना है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप पहले परिकल्पना बनाते हैं, जो भी आप लिखते हैं मान लिया कि ये एक परिकल्पना है, मान लिया कि एक अभाज्य संख्या है। अब आप साक्ष्य एकत्र करते हैं कि आपको केवल 2 भिन्न ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जिनसे एक विभाजित हो जाए। अब आप ऐसी संख्याएं ढूंढना शुरू करते हैं लेकिन आपको कोई ऐसी 2 भिन्न संख्याएं, 2 डिफरेंट नंबर्स आपको नहीं मिलते हैं जिनसे कि एक विभाजित हो जाए। ऐसा नंबर सिर्फ कौन सा मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिल रहा है। जबकि संख्या को अभाज्य होने के लिए शर्त है कि उसके दो एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स हों, एक तो वो संख्या खुद और एक दूसरा, 2 भिन्न एग्जैक्टली 2 डिफरेंट भिन्न डिफरेंट फैक्टर्स हों तो संख्या अभाज्य होगी। अब ऐसे में आपने पहले माना था कि एक अभाज्य संख्या है लेकिन आपको 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं मिले, तर्कों के आधार पर जो आपने साक्ष्य इकट्ठे किए वो आपकी परिकल्पना के विपरीत हैं, तब आप अपनी परिकल्पना कि एक अभाज्य संख्या है को अस्वीकार कर देते हैं और मानते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार अगर देखें तो गणित की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, साक्ष्य एकत्र करता है, उनका तार्किक विश्लेषण करता है, उसके बाद अपने साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्षों का विश्लेषण करता है और परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करता है, वैसे ही गणित भी कार्य करता है। इस प्रकार अगर देखें आप तो गणित की प्रकृति जो है वह वस्तुतः वैज्ञानिक है, क्योंकि ये भी एक व्यवस्थित रूप से कार्य करता है,
वस्तुनिष्ठ रूप से कार्य करता है। ये भी जो भी विज्ञान की विशेषताएं हैं वो गणित में पाई जाती हैं। गणित एक अमूर्त विषय है। मैथमेटिक्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। गणितीय संकल्पनाओं को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये विचार मात्र हैं। जैसे वन, वन जो है वो एक का विचार मात्र है। द आइडिया ऑफ वननेस, द सिंबल वन रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ वननेस। एक वस्तु को तो आप छू सकते हैं, लेकिन एक को, एक की संकल्पना को यू कैन नॉट टच। इसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसका मेटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे रसायन विज्ञान में सोडियम, आपको बताया गया कि ये सोडियम है, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसका द्रव्यात्मक अस्तित्व है, लेकिन एक, दो, तीन, चार इस प्रकार की संख्याओं का द्रव्यात्मक अस्तित्व कहाँ है? कहीं नहीं है। ये केवल एक होने, दो होने आदि के विचारों के संकेत हैं। इस प्रकार और भी गणितीय संकल्पनाओं को देखें अगर, जैसे समुच्चय, तो क्या समुच्चय को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। समुच्चय का कोई मेटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है? नहीं है। और भी कोई देखें आप, जैसे सर्कल, किसी सर्कुलर वस्तु को आप छू सकते हैं, बट यू कैन नॉट टच ए सर्कल। आप जो है एक विचार को नहीं छू सकते। इसलिए गणित के बारे में कहा जाता है कि गणित एक अब्स्ट्रैक्ट विषय है, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट नहीं बल्कि अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स डील्स विथ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। गणित की प्रकृति वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठता का सामान्य तात्पर्य होता है कि वो बाहरी चीज़ों से कम प्रभावित हो या न प्रभावित हो। जैसे आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रचलन बढ़ा है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें चार विकल्पों में से आपको एक उत्तर का चयन करना होता है। तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें वस्तुनिष्ठता क्यों है? इसलिए है कि कोई भी आपका इवेल्युएटर हो, कोई भी आपका मूल्यांकन करता हो, उसके विचारों का प्रभाव आपके उत्तर पर नहीं पड़ता। जो भी मूल्यांकन करता होगा, जिस भी स्थान पर होगा, वो जैसा भी मूल्यांकन करेगा, सारे मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा आपको समान अंक ही उसमें मिलेंगे। वैसे ही गणित भी एक वस्तुनिष्ठ विषय है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण है। गणितीय निष्कर्ष जो है वो परिकलनकर्ता पर निर्भर नहीं करते, परिकलन के स्थान पर निर्भर नहीं करते, इन सबसे निरपेक्ष होते हैं। जैसे दो और दो का जोड़ जो कहते हैं कि चार के बराबर ही होगा, चाहे वो परिकलनकर्ता कोई भी हो अथवा स्थान कोई भी हो। इस प्रकार आप देखें तो गणित जो है वो परिकलनकर्ता, स्थान आदि से निरपेक्ष हैं गणितीय संकल्पनाएँ। अतः गणित की प्रकृति जो है वो वस्तुनिष्ठ है। गणित जो है विभिन्न चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। चर का सामान्य तात्पर्य है जिसका मान बदलता रहे, और गणित जो है वो हमेशा दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। सामान्य से सामान्य गणितीय गणना करते समय भी आप विभिन्न चरों के संबंधों का अध्ययन कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि यदि आपने 100 रुपये देकर चीनी खरीदे है, उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? आप चीनी की मात्रा और उसके बदले दिए गए धन के बीच के संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा ही कोई भी आप उदाहरण ले, जब भी आप कोई गणितीय संकल्पना कर गणितीय गणना करते हैं, सामान्य गणितीय कैलकुलेशन करते हैं, सामान्य मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो आप दो चरों के बीच के संबंध का अध्ययन कर रहे होते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि गणित जो है वो विभिन्न चरों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। और सबसे आखिर में कि गणित जो है वो विज्ञान की भाषा है। गणित को सभी विज्ञान विषयों की जननी कहा जाता है। आज की तारीख में आप कोई भी विज्ञान ले लीजिए, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे कंप्यूटर विज्ञान हो, ये गणित के बिना एक कदम नहीं चल सकते। आप कंप्यूटर को ले लीजिए, कंप्यूटर का पूरा जो लॉजिक है वो 0 और 1 के बूलियन अलजेब्रा के संकल्पनाओं पर आधारित है। अगर वो 0 1 की संकल्पनाएँ ख़त्म हो जाएँ तो कंप्यूटर आपके निर्देशों को नहीं समझेगा और कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में गणित जो है सभी विज्ञान विषयों की भाषा है। गणित के बिना कोई भी विज्ञान विषय आगे नहीं बढ़ सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो मित्रों, आज की कक्षा में हमने जाना कि गणित की प्रकृति कैसी है, और गणित की प्रकृति में हमने मुख्य रूप से जाना कि
गणित में यथार्थता एवं शुद्धता पाई जाती है। गणित की प्रकृति तार्किक है। गणित एक सांकेतिक विषय है। गणित की अपनी भाषा है। गणित विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन है। गणित विभिन्न पैटर्नों का अध्ययन है। गणित उपयोगितावादी है। गणित अपने आप में एक समस्या समाधान है। गणित की प्रकृति वैज्ञानिक है। गणित एक अमूर्त विषय है। गणित में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। गणित विभिन्न चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है और गणित विज्ञान की भाषा है और समस्त विज्ञान विषयों की जननी तो है ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।